देखिए हमारे एक भुर्जी का बिल्कुल फाइनल लुक कितना टेस्टी और यम्मी बनके रेडी है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक भुर्जी, अंडे का भुजिया बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, 2 बड़े साइज़ का, एक छोटा, एक बड़ा साइज़ का। टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, 2 बड़े साइज़ का अनियन मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है, अदरक लहसुन का कूट के ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। अब एक हरी मिर्च को काट के ले लिया है, और ये कुछ 2 टेबल स्पून हरी धनिया की पत्ती। अब चलिए बनाने की प्रोसेस की तरफ। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया, अब गैस स्टोव को ऑन कर दूँगी। अब इसमें हम तेल डालेंगे कढ़ाई में। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सरसों तेल डाल दिया कढ़ाई में। इसे हम अच्छी तरीका से तेल को गर्म होने देंगे। तेल को जब तक हम गर्म करेंगे तब तक तेल में से धुआं ना आ जाए। तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छी तरीका से गर्म हो चुका है। इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे करीब 1 मिनट तक। प्याज को मैंने 1 मिनट तक भून लिया। अब इसमें हम अदरक लहसुन कूटा हुआ डाल देंगे। आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कूटा हुआ में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए हमने कूटा हुआ डाला अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को हम तब तक पका लेंगे जब तक इसकी स्मेल चली ना जाए। हम प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, प्याज को उतना पकाएंगे ट्रांसलूसेंट होने तक हम प्याज को पकाएंगे। देखिए नज़दीक से इस स्टेज तक हम प्याज को पकाएंगे। अब इसमें हम टमाटर को डाल देंगे, और साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरीका से बिल्कुल भून लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम इसमें ये नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लें। अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, और उसके बाद इसे ढक के ये टमाटर सॉफ्ट होने तक के हम इंतज़ार कर लेंगे। हमने टमाटर को 1 मिनट तक ढक के पका लिया। देखिए हमारा टमाटर हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले को डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी चुटकी भर हम इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी का पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें मिर्चा पाउडर डालेंगे। मिर्चा हम कम डालेंगे क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली। ऐसे हम अच्छे से मिला देंगे। इसी स्टेज पे हम इसमें 1 टेबल स्पून इसमें हम चिकन मसाला भी डाल देंगे अच्छे टेस्ट के लिए। सबको मिला के हम अच्छी तरीका से अच्छे से हम भून लेंगे 20 सेकेंड तक। हमने इसे अच्छे से 20 से 30 सेकेंड तक पका लिया। अब इसमें हम अंडे को डाल देंगे। गैस को हम लो फ्लेम रखेंगे। अब हम अंडे को अच्छी तरीके से मिला देंगे। सारे अंडे को मैंने इसमें फोड़ दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिला देंगे। इसे बनाने में हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट का लगा है समय। 3 मिनट मान लीजिए, 3 मिनट टाइम लगा है इसे बनाने में। आप लोग को जैसी कंडीशन इसका ये रखना है वैसा आप रख सकते हैं। चाहे तो आप हल्का सूखा भी रख सकते हैं, थोड़ा गीला भी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा गीला खाना पसंद करते हैं तो आप इस स्टेज तक छोड़ दें। अगर सूखा खाना पसंद करते हैं थोड़ा सा और भून लें बढ़िया से अच्छे भुर्जी को। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल देंगे अच्छे टेस्ट के लिए।
हमारा एक भुर्जी बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर देंगे। अब आप लोग को हम दिखाते हैं डिश आउट करके। तो ये है हमारे गर्मा गर्म एक भुर्जी का बिल्कुल फाइनल लुक। देखिए कितना परफेक्ट और डिलीशियस बन के बिल्कुल रेडी है। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सबा मिराज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।